हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारे जावा एडवांस प्रोजेक्ट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको हम लोग को करना क्या है इस वीडियो में। तो हम लोग को आज एडिट मॉड्यूल को कम्प्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ तक कम्प्लीट किया था, फिर उसके आगे हम लोग कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नेटबीन्स ओपन है और नेटबीन्स में हमारा प्रोजेक्ट ओपन है जिसका नाम था टेक ब्लॉक। हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट को कहाँ तक कंप्लीट किया था। तो हम अपने प्रोजेक्ट पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे और वेट करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है। अगर आपने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर चूज़ किया है, क्या पता भाई आप अभी पुराने ज़माने में चल रहे हो तो आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया है, बट मोस्ट प्रॉबली आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होगे। तो जैसे ही आप रन करोगे तो आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा नेटबीन्स, सबसे पहले डिप्लॉय करेगा फिर लॉन्च हो जाएगा। तो हमने साइनअप कंप्लीट कर लिया था, लॉगिन भी कंप्लीट कर लिया था। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र से लॉगिन करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र से लॉगिन कर दिया हूँ यहाँ पे, और हमने कंप्लीट किया था ये प्रोफाइल डिस्प्ले प्रोफाइल मॉड्यूल, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम यूज़र की देखिए यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल दिखा रहे थे, यूज़र का नाम दिखा रहे थे, यूज़र की आईडी दिखा रहे थे, ईमेल दिखा रहे थे, उसका जेंडर दिखा रहे थे, उसका स्टेटस दिखा रहे थे और रजिस्ट्रेशन डेट दिखा रहे थे। और हम लोग ने पिछले वीडियो में बनाया था कि अगर आप इस एडिट पर क्लिक करो तो ये क्या हो रहा था, ये देखिए कन्वर्ट ये वाला जो डिस्प्ले वाला डिव था वो चेंज होके वो ये एडिट वाले में चेंज हो जा रहा था। दैट मीन्स अब आप क्या कर सकते हो, ये ईमेल आईडी यहाँ से एडिट कर सकते हो, आप पासवर्ड एडिट कर सकते हो, नेम एडिट कर सकते हो और अबाउट एडिट कर सकते हो, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। और ये मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी है, अगर आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको क्या एडिट करवाना है ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई ईमेल एडिट ऐसे बनाना है, बट आप चाहते हो कि ईमेल को एडिट ना कर पाए तो आप इसको एडिटेबल मत रखिएगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पर एक नई प्रोफाइल पिक्चर चूज़ कर रहे थे हम लोग, और फिर हम सेव पे क्लिक कर रहे थे। तो एक्चुअली सेव पे क्लिक करना है तो हमें एडिट प्रोफाइल सर्वलेट पे जाना है, ठीक है। तो हम लोग आज यही कंप्लीट करेंगे। करेंगे क्या कि हम लोग जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी प्रोफाइल सारी डिटेल क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म को कम्प्लीटली वेरीफाई करूंगा कि क्या इसका एक्शन सही है, और एक्शन सही है तो मैंने इन फील्ड्स का नाम सही से दिया है। तो आ जाते हैं अपने सिंपली प्रोफाइल .jsp पेज में, और प्रोफाइल .jsp के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने मॉडल में आ जाते हैं जहां हमने एडिट प्रोफाइल मॉडल बनाया था, ठीक है। तो ये देखिए प्रोफाइल मॉडल है और इसके अंदर एक डिव मैंने बनाया था, ये तो प्रोफाइल डिटेल वाली है जिसमें आप दिखा रहे हो सिर्फ, ये ख़त्म है। ये देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म है और फॉर्म का देखिए एक्शन है एडिट सर्वलेट। तो हमें यहाँ पर एक एडिट सर्वलेट बनाना पड़ेगा, और एडिट सर्वलेट में देखिए एक फील्ड है आपकी ईमेल वाली जो एडिटेबल है, इसका देखिए यहाँ पे टाइप है ईमेल और नेम है यूज़र ईमेल। तो परफेक्ट, आप याद रखिएगा कि एम ईमेल वाली फील्ड का नाम है यूज़र ईमेल, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी सर्वलेट पे डेटा फेच करने के लिए। उसके बाद सिंपली देखिए नेम वाली फील्ड का नाम है यूज़र नेम, पासवर्ड वाली फील्ड का नाम है यूज़र पासवर्ड, और हमारी और कोई फील्ड थी, अबाउट वाली फील्ड का नाम है यूज़र अबाउट, और इमेज वाली फील्ड का नाम है इमेज, ठीक है। तो ये फील्ड्स के नाम है और एडिट सर्वलेट पे। एक चीज़ आपको और बताना पड़ेगा यहाँ, जब आप फॉर्म बना रहे हो तो क्योंकि इस फॉर्म के अंदर आप डेटा इमेज टाइप का भेज रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा फॉर्म में, ये बताने के लिए कि फॉर्म कंटेन मल्टी पार्ट डेटा। तो आपको लगाना पड़ेगा इंक टाइप, कौन सा इंक टाइप। तो आप जैसे टाइप करोगे EN कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो अपने आप से इंक टाइप लग जाएगा, और इंक टाइप में आपको लिखना है मल्टी पार्ट, फिर स्लैश लगाना है और यहाँ लिखना है फॉर्म डैश डेटा, ठीक है। ये एक एट्रीब्यूट है जो बताता है कि आपका जो फॉर्म है वो मल्टी पार्ट टाइप का डेटा स्टोर करके ले जा रहा है। दैट मीन्स इस फॉर्म में या तो कोई इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है। दैट मीन्स दिस फॉर्म कंटेन्स मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर आपने इतना काम कर लिया तो अब आपका जो फॉर्म होगा वो एडिट सर्वलेट पे सबमिट हो सकता है, ठीक है। तो हम ये सर्वलेट बनाने जा रहे हैं, एडिट सर्वलेट। तो सिंपली ये सर्वलेट है तो मैं अपने किस पैकेज में बनाऊंगा भाई, com.tech.block.servlet। आप सिंपली अपने सर्वलेट पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और सर्वलेट पे क्लिक कर दीजिए, परफेक्ट। और यहाँ पे एडिट सर्वलेट लिख दीजिए। तो मैं कॉपी कर लिया था अभी, तो मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, तो देख सकते हो आप एडिट सर्वलेट। फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा और ऐड इन्फॉर्मेशन टू डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टर जरूर से कर दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप एक बार वेरीफाई कर लोगे कि यहाँ पे जो URL पैटर्न है जिसका नाम है एडिट सर्वलेट, वो क्या आपके इस
एक्शन से मैच कर रहा है, अगर ये आपका URL पैटर्न इस एक्शन से मैच कर रहा है, दैट मीन्स आप सही 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 रास्ते पे हो। अदरवाइज आपको मैच करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ URL पैटर्न कुछ और दे देते हो तो एक्शन आपको कुछ और देना होगा, तभी इस सर्वलेट पे फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद आप सिंपली क्या कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए, परफेक्ट। अब आपका फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये सर्वलेट चलेगा, कौन सा सर्वलेट चलेगा, एडिट सर्वलेट चलेगा, दैट मीन्स एडिट प्रोफाइल सर्वलेट। और आपको कोडिंग करनी है इसके बॉडी टैग के अंदर, देखिए बॉडी यहाँ ओपन हुई यहाँ क्लोज हुई, इसके अंदर आपको कोडिंग करनी है। कोडिंग में करना क्या है आपको, आपको सारा फॉर्म का डेटा फेच करना है एक एक करके, और उसके बाद उस डेटा को अपडेट करना है, कहाँ पे, यूज़र टेबल में। क्या करना है, उस डेटा को अपडेट करना है यूज़र टेबल में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, करते हैं सबसे पहले मैं डेटा फेच करूँगा, तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लूँगा और थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लूँगा, और एक एक डेटा मैं फेच करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं एडिट सर्वलेट पे, और यहाँ मैं सबसे पहले कमेंट लिख देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ फेच ऑल डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फेच करने की कोशिश करता हूँ, क्या भाई, देखिए सबसे पहले मैं फेच करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे यूज़र की ईमेल आईडी, ठीक है, यूज़र की ईमेल आईडी। तो आप एक वेरिएबल ले लीजिए स्ट्रिंग यूज़र ईमेल, यूज़र ईमेल, और यहाँ पे लिखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में आपको ईमेल फील्ड का नाम देना है। तो ईमेल फील्ड का हमारे नाम था यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको निकालना है यूज़र ईमेल के बाद, मैं एक बार हेल्प लूँगा, यूज़र ईमेल के बाद यूज़र नेम चाहिए, तो आप यहाँ पे आइए, एग्जैक्टली यही वेरिएबल बनाइए, बट यहाँ पे क्या कर दिए, यूज़र नेम, और यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर नेम, क्योंकि फील्ड का नाम हमने यूज़र अंडरस्कोर नेम दिया था, और कोट्स लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद आप क्या करिए, आपके लिए पासवर्ड है, तो यहाँ पे लिख दीजिए यूज़र पासवर्ड, और यहाँ पे आपको यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, क्योंकि फील्ड का नाम भाई पासवर्ड था। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, या आप प्रोफाइल पेज पे जाके देख सकते हो, पासवर्ड के लिए देखिए यूज़र पासवर्ड था, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, यूज़र पासवर्ड लेना है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी चीज़ें एडिट करनी है, अबाउट, तो आप यहाँ पर आ जाओगे, एक और लगाओगे यही, और यहाँ पे यूज़र अबाउट कर दो, क्योंकि फील्ड का नाम फॉर्म में आपने यूज़र अबाउट दिया था, और यहाँ पे यूज़र अबाउट दे दो, ठीक है। तो मैंने जो जो डिटेल अपडेट करनी थी, मैंने कुछ ऐसे लिया, यूज़र ईमेल, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, यूज़र अबाउट। और आपको करना क्या है कि प्रोफाइल के लिए भी आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो प्रोफाइल फेच करने के लिए मैं बनाऊँगा पार्ट, ठीक है, पार्ट। तो आपको करना क्या है कि आपको कैसे डेट फाइल को अपलोड करना है, ये चीज़ मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी सिखाया है, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इस सीरीज़ में आपको मिल जाएंगी कि कैसे आप फाइल को अपलोड करते हो विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट, ठीक है। तो आप जाके उस वीडियो को अगर देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कई सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मॉड्यूल में भी आपको देखिए यहाँ पे बताया हुआ है Ajax बेस फाइल अपलोडिंग, तो आप ये वीडियो जाके देख लोगे 22nd वीडियो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फाइल कैसे अपलोड करना है, बट फिर भी अगर आप बने रहोगे यहाँ पे तो समझ जाओगे। तो मैं एक पार्ट टाइप का लेता हूँ, पार्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट, ठीक है। तो आपकी फ़ोटो जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी पार्ट एक वेरिएबल में, और फोटो का जो नाम था वो आपने दिया था, देखिए फोटो का नाम था इमेज, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे अपने सर्वलेट में इमेज, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ इमेज, तो बेसिकली फोटो की जितनी भी डिटेल होंगी उस पार्ट में रखी होंगी, और बाकी आपका ये डेटा रखा होगा। तो ये नया डेटा है, नया डेटा मीन्स न्यू डेटा इसके अंदर है, ठीक है। अब जब भी आपका सपोज आपने कोई फोटो सेलेक्ट किया तो उसका नाम निकालना होगा, उस इमेज का नाम निकालना होगा, तो आप एक वेरिएबल ले लेंगे और हम लिख देंगे यहाँ पे इमेज नेम, और हम पार्ट से पूछ लेंगे पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पार्ट के पास पूरा डेटा है आपका इमेज का, जो आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया प्रोफाइल फोटो, उसने क्या दिया हमें, गेट सबमिटेड फाइल नेम, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर दिया आपको, उस फोटो का नाम विद एक्सटेंशन और उस इमेज नेम में आ जाएगा। तो मेरे पास इमेज का नाम आ गया, इमेज इसमें रखी होगी, इसके पास इनपुट स्ट्रीम है, हम रीड कर सकते हैं, यूज़र अबाउट है, यूज़र पासवर्ड है, यूज़र नेम है, एंड यूज़र ईमेल है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को क्या करना है, जो पुराना डेटा चल रहा है सेशन में वो फेच करना है। तो मैं लिखूंगा गेट द सेशन, या गेट द यूज़र फ्रॉम द सेशन, गेट द यूज़र फ्रॉम द सेशन, ठीक है। सेशन से हम यूज़र निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको सेशन वेरिएबल निकालना होगा, तो हम लिख देते हैं HTTP सेशन
HTTP session, और हम लिख देंगे S इज इक्वल टू रिक्वेस्ट से कहेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ठीक है। बस आपको सेशन मिल जाएगा पुराना, और इसके अंदर से आप वो यूज़र निकाल सकते हो जो आपने लॉगिन करवाया था। तो अगर आप भूल गए हो तो लॉगिन सर्वलेट में जाके देख लीजिए, यहाँ पे आपने यूज़र लॉगिन कराते समय यूज़र सेट किया था, ठीक है। कहाँ पे सेट किया था ये देखिए भाई, आपने लॉगिन कराया था यहाँ पे, देखिए आपने सेट किया था करंट यूज़र में यूज़र का ऑब्जेक्ट यू, ठीक है। तो आपको इसी करंट यूज़र का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे निकालना है, तो सिंपली आप लिखिए एस डॉट गेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे लिख दीजिए करंट यूज़र, ठीक है। और आपको यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो आप क्या करिए सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए यूज़र टाइप का, ठीक है, यूज़र टाइप का, ठीक है, यूज़र टाइप का यूज़र, ठीक है। तो इसके अंदर जो यूज़र लॉगिन होगा वो होगा, ठीक है। तो हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे, सिंपली देखिए इसके अंदर पुरानी डिटेल है और इसके अंदर की डिटेल को रिप्लेस करना है इन सब डिटेल से, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, डिटेल को रिप्लेस कर दिए, तो आप लिखिए यूज़र डॉट सेट, सबसे पहले ईमेल करिए, तो ईमेल नई ईमेल, देखिए सेट ईमेल, तो जो पुरानी ईमेल इस यूज़र की होगी वो इसके अंदर रखी होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो रिप्लेस हो जाएगी इस यूज़र से। उसके बाद आप लिखिए यूज़र डॉट सेट और आपको लिखना है नेम, तो सेट नेम यूज़र नेम आ गया, परफेक्ट। इसी तरह आपको लिखना है यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, तो अब आपका यूज़र पासवर्ड आ गया। इसी तरह आपको लिखना है यूज़र डॉट सेट अबाउट, तो अबाउट आ जाएगा। एंड उसके बाद इसी तरह आपको लिखना है यूज़र डॉट सेट प्रोफाइल पिक नेम या सेट प्रोफाइल, और प्रोफाइल में इमेज का नाम, ठीक है, तो हम लिख देंगे इमेज नेम, परफेक्ट। तो अब इस यूज़र के अंदर सारा डेटा अपडेट हो चुका है, दैट मीन्स अगर आप इस यूज़र का ऑब्जेक्ट कहीं भी यूज़ करते हो तो आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, इस यूज़र ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो चेंज करना है डेटाबेस में, दैट मीन्स हमें अपडेट करना है डेटाबेस में भी, डेटाबेस में भी अपडेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस यूज़र ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, देखो मैं क्या करूँगा, यूज़र डाओ में, यूज़र डाओ में देखिए आप आ जाओगे डाओ वाले पैकेज में, तो डाओ वाले पैकेज में यूज़र डाओ है, इसके अंदर एक फंक्शन आपने ऑलरेडी बनाया था, देखिए सेव वाला, ये फंक्शन ऑलरेडी बनाया था, और हम इसके नीचे एक और फंक्शन बनाया था गेट यूज़र बाय नेम एंड ईमेल, हम एक फंक्शन और बना लेते हैं, देखिए पब्लिक वॉइड और जिसका नाम होगा अपडेट यूज़र, और यह क्या करेगा, एक नया यूज़र लेगा और उसे अपडेट कर देगा, ठीक है, अपडेट कर देगा। तो पब्लिक वॉइड अपडेट यूज़र और यूज़र आप यूज़र टाइप का लीजिए, परफेक्ट, ये एक यूज़र लेगा और इसके अंदर जो भी डिटेल है वो अपडेट कर देगा डेटाबेस में। तो चलिए भाई करते हैं, इसी फंक्शन को मैं क्या करूँगा, इसी वाले फंक्शन को मैं सिंपली अपने लॉगिन सर्वर एडिट सर्वलेट पे यहाँ पे कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो बनाते हैं भाई यहाँ पे एक फंक्शन और अपडेट्स यूज़र, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर हमें चलानी है क्वेरी, तो हम लगाएंगे ट्राई कैच और ट्राई कैच के कैच ब्लॉक में हम लिख देंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, परफेक्ट। और अब हम लोग क्या करते हैं सिंपली देखिए, अब हम लोग इसके अंदर अपनी अपडेट की क्वेरी बनाते हैं, तो हम लिख देंगे स्ट्रिंग क्वेरी, स्ट्रिंग क्वेरी, और क्वेरी में बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ। तो आप क्वेरी लगानी अपडेट, ठीक है, अपडेट किस टेबल को अपडेट करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगा डेटाबेस, तो आप ओपन कर लीजिए अपना डेटाबेस भी, ठीक है। तो हम लोग अपना डेटाबेस भी ओपन कर रहे हैं, बस वेट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस भी ओपन है। अब हम लोग अपना डेटाबेस टेक ब्लॉक ओपन करते हैं, उसके अंदर यूज़र वाली टेबल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा टेबल ओपन है, अब हम लोग को करना क्या है, नेम अपडेट करना है, ईमेल अपडेट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आ जाएंगे और लिखेंगे अपडेट यूज़र और लिखेंगे सेट, और सबसे पहला कॉलम लिखेंगे कौन सा कॉलम, नेम, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अभी हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पुट करेंगे और फिर लगाएंगे कॉमा और फिर लिखेंगे ईमेल, ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर लगाएंगे कॉमा और फिर हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्पेस लगा दीजिए, लिखिए पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर स्पेस और सॉरी कॉमा लगाना इंपॉर्टेंट है, तो कॉमा लगा दिए और फिर आप जेंडर, तो हम लिख देखते हैं जेंडर वैसे करना नहीं, बट फिर भी क्योंकि यूज़र में सारा डेटा है, नया जो अपडेट करना था वो है, पुराना जो अपडेट करना था वो भी है, तो आप जेंडर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड फिर अबाउट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अबाउट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वो डेटा है भाई, ठीक है, अबाउट के बाद रेट प्रोफाइल, ठीक है, मेन चीज़ है प्रोफाइल, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के आप प्रोफाइल भी लिख दीजिए और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो बेसिकली आपके पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कॉलम्स हैं, यहाँ भी देख लीजिए कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 और प्रोफाइल 6 कॉलम है, परफेक्ट। आप एक कंडीशन लगाना मत भूलिएगा यहाँ पे, प्रोफाइल के बाद आपको लगाना है वेयर, वेयर वेयर आईडी इज इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये वेयर नहीं लगाएंगे तो सारे रोज का डेटा अपडेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूजर की आईडी दे देंगे तो उसी यूजर का डेटा अपडेट होगा जिस यूजर का हम लोग करना चाहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेरी को उठा के दे देते हैं, इस क्वेरी को उठा के दे देते हैं हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट को। तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, तो हम लिखते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पी इज इक्वल टू, हम यूज करेंगे कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और अपनी क्वेरी पास कर देंगे, परफेक्ट। अब हम लोग का मेन काम है इन क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज पे करेक्ट वैल्यूज डालना। तो हम पी की हेल्प लेंगे, सबसे पहला नेम डालना है तो हम लिखेंगे पी डॉट सेट स्ट्रिंग और हम पहले क्वेश्चन मार्क पे डालेंगे। देखिए हम निकालेंगे यूजर से यूजर डॉट गेट नेम, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मार्क पे यूजर का नया वाला नाम आ जाएगा क्योंकि इसके इस यूजर के अंदर नया नाम रखा होगा। हम अभी क्या करेंगे, यहां से ये यूजर भेज देंगे तो नया वाला नाम जाएगा, नया वाला ये वाला नाम जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन मार्क पे पुट करेंगे पी डॉट सेट स्ट्रिंग और हमें दूसरे क्वेश्चन मार्क पे लाना है यूजर डॉट गेट ईमेल, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन मार्क पे ईमेल आ गया। फिर पी डॉट सेट स्ट्रिंग और तीसरे क्वेश्चन मार्क पे हमें लाना है, आप यहाँ से देखते रहिए क्या लाना है, पासवर्ड, ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजर डॉट गेट पासवर्ड, यूजर से हम लोग पासवर्ड निकाल लेंगे। और फिर चौथे क्वेश्चन मार्क पे जेंडर लाना है तो हम लिखेंगे पी डॉट सेट स्ट्रिंग और चौथे क्वेश्चन मार्क पे हमें यहाँ पे लाना है यूजर डॉट गेट जेंडर, ठीक है। फिर पांचवे क्वेश्चन मार्क पे हमें अबाउट लाना है तो हम लिख देंगे यूजर डॉट सेट स्ट्रिंग, फिफ्थ नंबर पे हमें यूजर डॉट गेट अबाउट, यूजर डॉट गेट अबाउट। लास्ट क्वेश्चन मार्क पे सिक्स्थ पे हमें यूजर की आईडी लानी है तो हम लिख देंगे पी डॉट सेट स्ट्रिंग और हम लिख देंगे आईडी तो इंटीजर होगी भाई तो स्ट्रिंग क्यों लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे सेट इंट और यहाँ पे लिखेंगे सिक्स क्वेश्चन मार्क पे यूजर डॉट गेट आईडी। बस क्वेरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और अगर क्वेरी कंप्लीट हो गई तो आप सिंपली यूजर यूजर क्यों लिखेंगे पी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, अपडेट हो जाएगा एग्जीक्यूट, सिंपल परफेक्ट। आपकी जो भी चेंजेस होंगे वो अपडेट हो जाएंगे, अगर नाम में नया नाम रखा होगा तो नया नाम अपडेट हो जाएगा, पुराना नाम रखा होगा तो पुराना नाम अपडेट हो जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा इस यूजर में आप पास क्या कर रहे हो, ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा। बट आप ये बट ये अपडेट यूजर जो फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, इस रिटर्न टाइप को बुलियन कर देंगे, सिंपली लिख देंगे बुलियन और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे बुलियन f इज इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट हम समझेंगे कि क्वेरी चली नहीं है, फॉल्स है, और जब आपकी क्वेरी चल जाएगी तो f की वैल्यू सिंपली हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, और अगर कुछ एरर आएगी यहाँ पे तो f की वैल्यू फॉल्स ही रह जाएगी और इसी f की वैल्यू को हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न f कर देंगे, परफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग को यही फंक्शन यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है भाई, यही फंक्शन यूज़ करना है अपने एडिट सर्व रेट के यहाँ पे, तो सिंपली वो फंक्शन हमारा नॉन स्टैटिक फंक्शन है, किसके अंदर का, यूजर डाओ के अंदर का, तो नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा यूजर डाओ का ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके। तो सिंपली आते हैं और यूजर डाओ का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यूजर डाओ, कंट्रोल स्पेस दबाइए और लिख दिए यूजर डाओ इज इक्वल टू न्यू यूजर डाओ और आपको देना है यूजर डाओ में क्या भाई, कनेक्शन, तो आप कनेक्शन प्रोवाइडर की हेल्प लीजिए, देखिए कनेक्शन प्रोवाइडर और प्रोवाइडर डॉट लगाइए गेट कनेक्शन तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा। अब आपको फंक्शन कॉल करना है, कौन सा भाई फंक्शन कॉल करना है यूजर डाओ का, अपडेट यूजर, नॉट सेव यूजर, अपडेट यूजर, और आपको देना है यूजर, तो आप इस फंक्शन को कॉल करिए, देखिए आप लिखिए यूजर डाओ, यूजर डाओ डॉट अपडेट यूजर और अपना यूजर पास कर दिए बस, ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा हमको बुलियन ए एन एस आंसर की वैल्यू। अब आंसर ट्रू होगा दैट मीन्स अपडेट हो चुका होगा, तो हम लगा देंगे इफ इफ इन केस आंसर ट्रू है उस केस में आपकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, तो हम लोग करेंगे यहाँ आउट डॉट प्रिंट एल एन और लिख देंगे अपडेटेड अपडेटेड टू डी बी, परफेक्ट, एल्स में हम लिख देंगे नॉट अपडेटेड, तो आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट अपडेटेड नॉट अपडेटेड, ठीक है। तो अभी मैं एक चीज़ बता दूं भाई, एक चीज़ मैं ये बता दे रहा हूँ कि अभी मैंने सिर्फ प्रोफाइल का नाम सेव किया है, ठीक है, हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल का नाम सेव किया है, अभी हम लोगों ने कोई भी फ़ोटो नहीं सेव की है, ठीक है, तो अभी हम लोग फ़ोटो सेव करेंगे,
तो अभी सिर्फ नाम हम लोगों ने डेटाबेस में वैल्यू चेंज किया है, ना कि हम लोगों ने फोटो अपलोड की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटो अपलोड करेंगे, पहले देखते हैं क्या डेटाबेस में चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो इसको सेव कर दीजिए और अपने प्रोग्राम को फिर से रन करिए, प्रोग्राम में अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन करिए। तो सिंपली हम रन बटन पर क्लिक करेंगे और हम सिंपली लॉग इन पर क्लिक करेंगे और अपने यूज़र से क्या कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हम, हमारा जो पासवर्ड है वो है मेरा खुद का नाम दुर्गेश, और फिर आप सबमिट कर दीजिए। तो आप देखोगे क्या होगा, जैसे मैं सेव करूंगा तो कुछ यहां पे एरर्स आई हैं। एरर्स क्यों आई हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब आपका डेटा आया इस सर्वलेट पे तो वो डेटा आया है एज अ मल्टी पार्ट डेटा, ठीक है। दैट मीन्स जो फॉर्म सबमिट हुआ वो एज अ मल्टी पार्ट फॉर्म आया है, तो हम लोग को सर्वलेट को ये चीज इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि इस फॉर्म में मल्टी पार्ट डेटा आ रहा है। तो इसको इन्फॉर्म करने के लिए आप आ जाओगे अपने एडिट सर्वलेट वाली क्लास पे, और यहां पे आपको लगाना पड़ेगा एक एनोटेशन जिसका नाम है मल्टी कॉन्फिग। तो आप सिर्फ एट द रेट लिखिएगा और मल्टी MUL लिखिएगा, कंट्रोल स्पेस दबाएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, क्लास के ऊपर, ये क्लास बेस्ड एनोटेशन है, दैट मीन्स क्लास के जस्ट ऊपर लगेगा। अब आप सेव करिए और आपको फिर से लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो परफेक्ट, आप रिफ्रेश करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा क्योंकि सर्वलेट में आपने चेंज किया है। आप फिर से लॉग इन करिए और फिर से अपना पासवर्ड डालिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप एडिट पर जाइए और प्रोग्राम स्टेटस को फिर से बदलिए। तो मैं फिर से लिखता हूँ आई एम अ न्यू यूट्यूबर, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फोटो भी चूज कर लेते हैं और फोटो चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, texop.png को चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेव करते हैं, जैसे सेव करेंगे तो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आया नॉट अपडेटेड, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और चल क्या रहा है भाई हमारे एडिट सर्वलेट का, ये वाला एल्स वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, एल्स वाला पार्ट, दैट मीन्स ट्रू यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे ट्रू नहीं आया। दैट मीन्स इस यूज़र ने क्या किया, यहाँ से फॉल्स रिटर्न किया, और फॉल्स रिटर्न किया इसका मतलब क्वेरी ढंग से नहीं फायर हुई। क्या गड़बड़ है, ये चीज़ चेक करने के लिए आप आ जाओगे विंडो पे और आप आ जाओगे आउटपुट पे और आप आ जाओगे टॉमकैट के लॉग में, और सबसे नीचे आओगे तो ये बताएगा कि भाई देखिए स्टेटमेंट पैरामीटर्स नॉट सेट, ठीक है। सेवन्थ वाला कह रहा है नहीं सेट किया है आपने स्टेटमेंट, ठीक है, सेवन्थ वाला। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मार्क है भाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा गलती कर दी, इसीलिए आ रही है, ठीक है। तो सिक्स्थ अगर क्वेश्चन मार्क की मैं बात करूँ तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे प्रोफाइल है और सेवन्थ पे आईडी है। तो हम लोग सिक्स्थ पे क्या करेंगे, प्रोफाइल ही सेट करेंगे, ठीक है। तो हम लगाएंगे पी डॉट सेट प्रोफाइल सेट स्ट्रिंग और हम लोग सिक्स्थ पे लगाएंगे यूज़र डॉट गेट प्रोफाइल, ठीक है। और हम लोग को सेवन्थ पे लगाना है आईडी, ये चीज़ आप ध्यान दोगे, सेवन्थ पे क्या लगाना है आपको, आईडी लगाना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और फिर से हम लोग प्रोग्राम चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे और जब भी आप सर्वलेट में चेंज करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, सबमिट करते हैं और हम लोग फिर से एडिट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम अपना स्टेटस और प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। तो हम स्टेटस में लिख देंगे आई एम न्यू यूट्यूबर और लिख देंगे यहाँ पे बस न्यू यूट्यूबर, और हम लोग चूज़ करेंगे फाइल को और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, texop.png को सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। जैसे सेव करोगे तो यहाँ देखिए अपडेटेड टू DB, अपडेटेड टू DB आ गया। इसका मतलब हुआ कि आपका एडिट सर्वलेट में ये आंसर ट्रू मिला और ये आंसर ट्रू मिला, दैट मीन्स यहाँ पे सब कुछ सही सही चला और ये भी सही से चला। तो हम लोग आते हैं डेटाबेस को चेक करते हैं और हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है। देखिए दुर्गेश तिवारी, ईमेल वही है, पासवर्ड वही है, मेल, और ये देखिए आई एम अ न्यू यूट्यूबर। और साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल देखें, चेक करें, तो प्रोफाइल में देखिए डिफ़ॉल्ट की जगह पे क्या हो गया भाई, देखिए texop.png, ये है उस फाइल का नाम जो आपने चूज़ किया था, ठीक है। दैट मीन्स आपका डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब आपने जो जो फील्ड्स वहाँ पे अपडेट वाली बनाई है वो सारी फील्ड्स अपडेट हो जाएंगी, सारी फील्ड्स क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। और अगर आप प्रोफाइल यहाँ से भी देखोगे तो देखो भाई, क्योंकि प्रोफाइल तो अपलोड की नहीं है तो प्रोफाइल यहाँ पे texop.png इसको सर्वर पे नहीं मिल रही, इसीलिए वो एरर दिखा रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो आई एम अ न्यू यूट्यूबर ऑलरेडी आपका आ गया, ठीक है, एट कर देंगे, ठीक है, एट कर देंगे। और हम
एक कोई फ़ोटो भी चेंज चूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग चूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये वाली फ़ोटो, ठीक है, और हम सेव कर देंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ अपडेटेड टू डीबी, और अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो आप देख पाओगे आपकी ईमेल आईडी भी चेंज हो गई, देखिए 308 हो गई ईमेल आईडी, और फ़ोटो भी यहाँ पर आपकी अपडेट हो गई। इसका मतलब कि आपका डेटा अब अपडेट हो रहा है, ठीक है। अगर हम रिफ्रेश करें और यहाँ प्रोफाइल देखें तो प्रोफाइल भी अपडेट हो गई। एरर इसीलिए आ रही क्योंकि यहाँ पर आपकी फ़ोटो सर्वर पर नहीं मिल रही है। कहाँ नहीं मिल रही है? सर्वर पर नहीं मिल रही। ये हम लोग रिजॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखो ईमेल हो गई 308, इसका मतलब अब इस यूजर ये यूजर लॉगिन कर पाएगा 308 ईमेल आईडी से। अगर आप लॉग आउट हो जाओगे तो पुरानी ईमेल आईडी से लॉगिन आप नहीं कर पाओगे 5 से। अगर मैं लॉगिन करता हूं तो ये इनवैलिड बताएगा क्योंकि ईमेल आपकी चेंज हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 308 से लॉगिन, ठीक है, इससे 308 से लॉगिन। तो हम लिखते हैं 308 और सबमिट करते हैं, तो देखोगे लॉग इन हो जाएगा, परफेक्ट। तो एडिट वाला काम हो गया है, बस बचा क्या है भाई? अब बचा ये है कि हमें फ़ोटो अपलोड करानी सर्वर पे, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे अजाइक्स बेस नहीं फॉलो करेंगे, इस चीज़ को सिंपल बनाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, तो नॉर्मल हम लोग सिंक्रोनस कॉल करेंगे, सिंक्रोनस कॉल नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को सर्वर पर अपलोड कराएंगे, क्योंकि फ़ोटो का नाम तो हमारे डेटाबेस तक पहुँच रहा है, बट फोटो को हम लोग को अपने किस वाले फोल्डर में लाना है, जो फोटो अपलोड हो रही है उसको पिक्स वाले फोल्डर में लाना है जहाँ पे डिफॉल्ट PNG है। तो पिक्स वाले फोल्डर में हम लोग ले आएंगे फोटो, सर्वर पे अपलोड करा देंगे, और हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज भी दिखाएंगे। जैसे ही आप सेव करो तो यहाँ पे प्रॉपर मैसेज दिख जाए कि प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफाइल अपडेट वाला भी लाएंगे, फोटो कैसे अपलोड करेंगे और मैसेज प्रॉपरली कैसे दिखाएंगे। तो अगर अभी तक आपने सर्वलेट की सीरीज़ नहीं एक्सेस की तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सिंपल बेसिक कोर की टेक्नोलॉजी यूज़ करके इतना बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एकदम बढ़िया जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, सब कुछ एकदम परफेक्टली यूज़ करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।